पूरी दुनिया में 7 अजूबे हैं, जिसमें से एक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि अपनी मजबूती और कई रोचक इतिहास के बारे में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चीन की यह दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के इतिहास के बारे में तो बहुत कम ही लोग जानते होंगे। दोस्तों, यह दीवार बल्कि चीन की नहीं पूरे विश्व की सबसे लंबी दीवार है और 7 अजूबों में से एक है। इसे समय समय पर विभिन्न चीनी शासकों ने चीन के बाहरी हमलों से रक्षा करने के लिए बनवाया था। इसे बनाने में जाने कई साल लगे थे और इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इस दीवार के बारे में कुछ रोचक जानकारियां जो आज तक आपने कभी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपका एक बार और टॉप नॉलेज की इस नई वीडियो में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इस दीवार को बनाने में लगभग 5वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का समय लगा था। इस दीवार को लगभग 2300 सालों से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। यह दीवार सम्राट शी हुआंगा की कल्पना के बाद बनाई गई थी। इस दीवार की लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर से भी अधिक है और यह इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे लंबी दीवार है। इस दीवार को वर्ष 1970 में आम जनता और ट्रेवलर्स के लिए खोल दिया गया था। हर वर्ष यहाँ हजारों सैलानी घूमने आते हैं। कहा जाता है कि इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि 5 से 7 घुड़सवार एक साथ गश्त लगाते हैं। इस दीवार को बनाने में तकरीबन 20 लाख से अधिक मजदूर लगे थे। दोस्तों, कहा जाता है कि इन मजदूरों में कई लाख मजदूर तो यहीं दफन कर दिए गए थे। दोस्तों, इस दीवार को देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, पर मंगोल शासक चंगेज खान ने साल 1211 में इस दीवार को तोड़कर चीन पर हमला कर दिया। मोटी और ऊंची दीवार होने के चलते मंगोलियों को इस दीवार को तोड़ने में कई दिन लग गए थे। चीन में इस दीवार को वोंग ली चेंग चेंग के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस दीवार को जोड़ने के लिए चावल और आटे का इस्तेमाल किया गया था। इस दीवार को एक साथ नहीं बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया गया था। दीवार को यूनेस्को ने वर्ष 1887 में विश्व के धरोहरों में शामिल कर लिया था। समय के साथ इस दीवार के कई हिस्से आज नष्ट हो चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बगल में बेल आइकन प्रेस